गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक रूप ले चुका है। आज शाम 4 से रात 8 बजे के बीच कच्छ के जखाऊ में जमीन से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने इससे भारी तबाही की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ रहा है। यह जखाऊ से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। उन्होंने कहा कि यह शाम तक तट पर पहुंचेगा। यह अति गंभीर चक्रवाती तूफान है। इसकी वजह से पेड़, छोटे मकान, मिट्टी के घर, टीन के घरों को नुकसान हो सकता है। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने कहा कि तटीय इलाकों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया बुधवार सुबह तक पूरी कर ली गई है। 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। 8 तटीय जिलों में कुल 74,345 लोगों को अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया। अकेले कच्छ जिले में लगभग 34,300 लोगों को निकाला गया है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बिपरजॉय तूफान आने से पहले बहुत बड़ी जो राहत की सामग्री है वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई है। इसके साथ ही साथ एहतियातन देखा जाए तो लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बड़े कदम उठाए गए। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बिपरजॉय है उसकी जो रफ्तार है वो 150 किलोमीटर की प्रति घंटे की तरह से है। इसलिए लोगों को समुद्र के आसपास ना जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही साथ सरकार और NDRF और तमाम सुरक्षा गार्डों की टीम मिलकर एक बड़ा कदम उठा चुकी है और लगातार गश्त भी की जा रही है। SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।